तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पे मैंने एंड फॉर्मा लगा लिया, अब मुझे इसमें पास और फेल चाहिए, तो हम इफ में पास और फेल दे सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पास या फेल दो ही रिजल्ट दे सकता हूँ, एंड की यही प्रॉब्लम है कि इसने सारे सब्जेक्ट को चेक किया कि सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर है, तो उसने दे दिया ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ गया, उस ट्रू को हमने पास फेल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ बताना है कि किस सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट जो है उस किस में क्रॉस लगा हुआ है, ये मुझे दिखाना है। तो एंड के थ्रू नहीं दिखा सकते, इसके लिए हमें इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ इफ का फॉर्मूला हम लगाते हैं, हम पहले सब्जेक्ट को चेक करते हैं, बोलते हैं कि क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, ऐसा हुआ तो फिर एक और इफ लगाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट को चेक करेंगे, क्योंकि एक इफ में हम एक ही लॉजिकल ऑपरेशन दे सकते हैं। यहाँ पे दूसरे इफ में हमने दूसरे सब्जेक्ट को चेक किया, फिर कॉमा करके फिर हम तीसरा इफ लगाते हैं तीसरे सब्जेक्ट के लिए। तो जितना कंडीशन मतलब जितना सब्जेक्ट उतना इफ हमें लगाना पड़ेगा, और हर इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में है। तो अगर पहला इफ यहाँ पे देखिए, अगर पहला इफ में 30 आया तो दूसरे इफ को देगा, दूसरे इफ में आया तो तीसरे को भेजेगा, तीसरे में आया तो चौथे को भेजेगा। अगर मान लीजिए दूसरे इफ में नहीं आया तो यही पे इफ को खत्म कर देगा और इफ का फॉल्स पार्ट शो कर देगा। अब यह चौथा इफ तक पहुंच गया और चौथा इफ भी पास कर पा रहा है, इसका मतलब है कि सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर है, तो यहाँ पे पास कर दिया। ऐसे भी इसमें पास करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है, बट फेल करने की पॉसिबिलिटी 4 बार है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट फोर फोर फेल कर दिया। अब ऐसा इसलिए, अब देखिए चौथा सब यहाँ पे, अगर ये चौथा इफ को देख रहा है, मतलब कि तीन इफ में पास है, तो चौथा इफ में भी अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास होगा, नहीं है तो चौथा इफ फेल है। अब यहाँ पे इफ को हम क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए हम तीसरा इफ में आएंगे, तो तीसरा इफ का ट्रू पार्ट जो है, तीसरे इफ का ट्रू पार्ट कौन है, ट्रू पार्ट आपका ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, और चौथा इफ तीसरे इफ का ट्रू पार्ट है। अब इसका फॉल्स पार्ट कॉमा दे देते हैं, यहाँ पे देखिए फॉल्स पार्ट का इंडिकेशन भी आ रहा है हमें असाइन टेक्स्ट में, और यहाँ पे हम कर देते हैं सब्जेक्ट थ्री फेल, सब्जेक्ट थ्री फेल हुआ। अब जैसे ब्रैकेट क्लोज किया, हम दूसरे इफ में आ गए। अब दूसरा इफ को समझिए कि दूसरा इफ जो है आपका, ये आपका ये आ गया लॉजिकल ऑपरेशन, और तीसरा चौथा इफ जो है दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में है, सॉरी ट्रू पार्ट में है। फॉल्स पार्ट मुझे यहाँ देना पड़ेगा, जैसे कॉमा करूंगा ये देखिए फॉल्स पार्ट का इंडिकेशन आ गया और इस इफ के नीचे दिख रहा है, मतलब इस इफ का पार्ट है। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट टू फेल करके लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हम सेम पहले इफ में आ गए, तो सब्जेक्ट वन तो यहाँ पे फेल कर दिया, और एंड पे प्रेस कीजिए, पास और फेल यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक बार और समझते हैं अपने फॉर्मूले को। देखिए सबसे पहला पहले पहला इफ चलेगा, पहला इफ चेक करेगा कि सब्जेक्ट वन में 30 से बड़ा है या नहीं है, अगर है तो वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं है तो सीधे आएगा और इस अपने इफ का पहले इफ का जो फॉल्स पार्ट है सब्जेक्ट वन उसको शो कर देगा और बाकी सारे इफ को इग्नोर कर देगा। फिर दूसरा इफ चलेगा, अगर मान लीजिए पहला इफ फुलफिल हुआ तो दूसरा इफ चलेगा, दूसरा इफ सेम चेक करेगा, अगर 30 से ऊपर सब्जेक्ट टू है तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो दूसरा इफ अपना जो फॉल्स पार्ट है उसको यहाँ से शो करेगा। फिर तीसरा इफ चेक करेगा कि ग्रेटर देन 30, सब्जेक्ट थ्री ग्रेटर देन 30 है तो ठीक है, तो चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो सीधे वो तीसरा इफ का रिजल्ट देगा और बाकी के प्रोसीजर को स्टॉप कर देगा, और सेम चौथा इफ चेक करेगा, हुआ तो पास, नहीं हुआ तो फेल शो कर देगा। यहीं पे आपके इफ की जो ऑपरेशंस है वो फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें एक ही सब्जेक्ट फेल दिखाएगा, अगर दो सब्जेक्ट में फेल है तो एक ही सब्जेक्ट देगा, माने 28 भी फेल है और मान लीजिए कि ये आपका 27 भी फेल है, तो ये सब्जेक्ट वन ही दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि उसने सब्जेक्ट वन को चेक किया, यही पे वो लेस देन 30 मिल गया, इस सारा इफ को इसने इग्नोर कर दिया और ये सब्जेक्ट वन फेल्स को शो कर दिया। मतलब कि तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा इफ को चेक करने का मौका ही नहीं दिया। ओके समझ
समझ में आया आप लोगों को? समझ में, कितनी तो समझ